अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल अगर आपने मेरा इंट्राडे वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा कि गोल्ड में आपने बाय ही फाइंड करनी है। गोल्ड हमें मज़ीद अपसाइड दिखा सकता है। तो गोल्ड ने 2500 के आसपास के लो बनाए और उसके बाद तकरीबन जो है वो 2518 के आसपास के हाई बनाए, जो कि हमारा कल का रेजिस्टेंस लेवल था। इसके बाद गोल्ड रिट्रीट भी हुआ 2510 के आसपास तक, लेकिन आज ओपनिंग के बाद गोल्ड ने जो है वो फ्रेश हाईज अपडेट किए हैं 2522-23 के। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है मार्केट के लिए, ख़ास तौर पर गोल्ड प्राइसेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, वो है US का इन्फ्लेशन डाटा। तो पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं और फोरकास्ट को देख लेते हैं, फिर हम उसके इम्पैक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यह है जी वेडनेसडे सितंबर 11, 11 AM के आसपास GDP नंबर हैं ब्रिटेन पाउंड के, अगर आप ब्रिटिश पाउंड में काम करते हैं तो। मेन नंबर्स आएंगे US सेशन में, ये हैं जी CPI नंबर्स। अगर हम कोर CPI की बात करें तो मंथ ओवर मंथ जो फोरकास्ट है वो 0.2% पर अनचेंज रहने की है। इसके साथ जो CPI है वो भी मंथ ओवर मंथ की बात करें तो उसकी फोरकास्ट भी 0.2% पर अनचेंज रहने की है। CPI ईयर ओवर ईयर अगर हम देखें तो उसकी फोरकास्ट 2.9% से डिक्रीज होकर 2.5% की है। एक अच्छा लोअर साइड जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है एयरली बेसिस पर CPI नंबर्स पर। अलबत्ता यहाँ पर जो कोर CPI के एयरली नंबर्स हैं वो यहाँ पर नहीं शो हो रहे, लेकिन उनकी फोरकास्ट कोर CPI की, उनकी फोरकास्ट 3.2% पर अनचेंज रहने की है। यानी प्रीवियस भी वो 3.2% थे और इस दफ़ा की फोरकास्ट भी 3.2% है। तो माइल्डली आप अगर हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन को देखें तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मोर और लेस इन्फ्लेशन जो है वो फ्लैट रह सकती है या माइल्ड टिक डाउन कर सकती है। अब हमने देखना ये है कि हमें इसमें किस साइड पर जो है वो सरप्राइज मिलता है, अप साइड पर या डाउन साइड पर। तो उसके लिहाज से हम जो है वो इम्पैक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा कि अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ कर आती है, यानी कि जो CPI नंबर्स हैं मंथली बेसिस पर ख़ास तौर पर, तो फिर हमें गोल्ड प्राइसेस में जो है वो वीकनेस नज़र आ सकती है और डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है, क्योंकि मार्केट ये फिर एक्सपेक्ट करेगी कि जो 50 BPS रेट कट है वो तकरीबन उसकी चांसेस जो है वो बहुत लो हो जाएंगे। वाइस वर्सा अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होकर आती है, यानी डाउन साइड पर आती है, तो फिर हमें गोल्ड प्राइसेस में फ्रेश अपसाइड भी नज़र आ सकता है, न्यू ऑल टाइम हाई भी नज़र आ सकता है, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट वीक है उसमें 50 BPS के जो है फेड मीटिंग में रेट कट के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल हमने सिनेरियो डिस्कस किया है। 100% ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें आपने जो है वो हर चीज़ को देखना होता है, लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं वो असरअंदाज हो रही होती हैं। तो ये एक जनरल सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए आपने ट्रेंड और लेवल को फॉलो करते हुए अपने SL के साथ ट्रेड करना है। मार्केट जो है वो एक मेजर या वाइड रेंज जिसे आप कहते हैं उसमें ट्रेड कर सकती है। तो डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि ये जो लेवल मैं आपको दूंगा ये तो सिर्फ डाटा तक वैलिड रहेंगे, डाटा के बाद की क्या सिचुएशन होगी, क्या लेवल्स होंगे वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करूंगा। तो उसके लिए आप मुझको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स पेयर्स के लेवल भी ग्रुप में ही शेयर किए जाते हैं। तो गोल्ड 2520 के आसपास चल रहा है। अगर आपने लाइव सेशन मेरा ज्वाइन किया है जो कि चल भी रहा है, तो वहाँ से 2516-14 के एरिया था, जहाँ से मैंने अप साइड के एरो बनाकर दिखाया भी है आपको, तो वो बाय का ही है। तो उस वजह से अगर आप देखें तो अब बाय अगर में किया हुआ है तो 2520-22 पर आप बुकिंग कर सकते हैं या ट्रेल कर सकते हैं एंट्रीज को फॉर मोर हाई। तो आज गोल्ड में इंट्राडे के लिहाज से हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, आपके लाइक करने से चैनल को जो है वो सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस है 2532, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है गोल्ड प्राइसिस का। वो अगर ब्रेक हो जाता है
तो गोल्ड आपको 25-38-40 और 25-48-50 के फिर हाई दिखा सकता है। सपोर्ट है जी हमारा राउंड फिगर 2500 का, 2500 का जो लेवल है इसके नीचे अगर प्राइसेस जो हैं वो 2500 के बिलो जो है वो मार्केट अगर डिप कर जाती है यानी दोबारा से, तो गोल्ड आपको 2490-85 2470-72 तक जा सकती है। 2470-72 वो लेवल है जिसके नीचे अगर प्राइसेस गई, याद रखिएगा, तो फिर आप फ्रेश वीकनेस यानी एक टेक्निकल जो सेलिंग है वो हमें एक अच्छी नज़र आ सकती है फिर 2470-72 के नीचे। तो फिलहाल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स प्रेफर है अनटिल डाटा। अब हम चलते हैं जी सिल्वर, सिल्वर के लेवल हम काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं, आई थिंक पॉजिटिव जोन में भी है, 2850 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है। आज का रेजिस्टेंस है 2870 का, सपोर्ट है $28 का, ट्रेंड है सिल्वर का पॉजिटिव। यह है जी क्रूड ऑयल, अगर आपको याद हो तो 67 का कल हमारा सपोर्ट था, मैंने कहा था कि एक डबल टॉप बॉटम टाइप है सिचुएशन, ये अगर होल्ड रही तो अब पे अगर ये ब्रेक होगी तो एक फ्रेश आपको वीकनेस नज़र आएगी, तो ऐसा ही हुआ, एक अच्छी वीकनेस हमें नज़र आई तकरीबन $65 के आसपास तक इसने हाई बनाए और अभी भी वीक जोन में ही इंटैक्ट है। तो मोर और लेस जो कल का रेजिस्टेंस था वो आज का सपोर्ट है, आज का रेजिस्टेंस है सॉरी रेजिस्टेंस है कल का जो सपोर्ट था वो आज का रेजिस्टेंस है 67.50 का, सपोर्ट है $64 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी यूरो की जानेब, यह है जी यूरो 10.50 के आसपास चल रहा है, इनिशियल जो रेजिस्टेंस इसकी यही है जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको अगर ये ब्रेक करें तो ही फिर मजीद आपको 10.70 और 10.90 तक का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 10.90 का, सपोर्ट है 10.15 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक, वीक भी कह सकते हैं या फ्लैट टू वीक भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी किसकी जानेब, लास्ट पेयर है हमारा जी BTC, 58,500 का रेजिस्टेंस था जी, 58,000 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा जो है वो रेजिस्टेंस में यानी कि चेंज है, आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 58,000 का, 54,800 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है और ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव बना हुआ है, यानी ये वाला अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें मज़ीद आपको जो है वो वीकनेस नज़र आ सकती है दोबारा से 53,700 और 52,800 तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत शुक्रिया।